सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के ने नमाज को लेकर फैलाई नफरत तो दुबई की राजकुमारी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहान के जैसे नफरत फैलाने वाले पत्रकार दुनिया भर में भारत की मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। यूएई की राजकुमारी हिंडल कासमी ने चौहान के को जिस तरह फटकार लगाई है वो देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि भारत की मीडिया की क्या छवि दुनिया में बन रही है। सुरेश चौहान के ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक मुस्लिम ड्राइवर बस में नमाज पढ़ता है। सुदर्शन न्यूज ने दिखाया कि नमाज पढ़ने की वजह से सवारियां बाहर गर्मी में खड़ी रही। दुबई की इस वीडियो को लेकर राजकुमारी हिंडल कासमी ने पूरी जानकारी देते हुए कहा, वो बस में बस वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद प्रे कर रहा था। वो मुस्लिम कंट्री में ऐसा कर रहा था जहां दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया जाता है। तुम्हें याद दिला दूं कि अमीरात एक सेक्युलर देश नहीं है। वो ना तो किसी को मार रहा था, ना ही लोगों को घरों और दुकानों से निकाल रहा था, जैसा कि नाजी किया करते थे और आज भी करते हैं। उसने अपना काम खत्म किया और परमिशन के साथ प्रे कर रहा था। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। धर्म से शांति का संदेश सीखो कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। तब भी सम्मान करो जब वो तुम्हारे धर्म और राजनीति को फॉलो नहीं करते। यूएई की राजकुमारी ने सुरेश चौहानके को दूसरी धर्म का सम्मान करने की नसीहत दी। हालांकि शायद उन्हें पता नहीं है कि ऐसे लोगों का वजूद ही धर्म के नाम पर जहर उगलने से बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे पत्रकार देश की खराब छवि पेश करते हैं और सरकारी संरक्षण में इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। सुरेश चौहानके के नमाज वाले कटाक्ष पर दुबई की राजकुमारी के इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।